हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोलीवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीवर इन लेलेपुट गोलीवर इन ब्रॉपटिंग नैग इन लैप्योटा एंड गोलीवर इन द लैंड ऑफ विनम्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीवर्स ट्रेवल्स ये एक फोर पार्ट में लिखा हुआ सेट्रिकल वर्क है सटायर किसे कहते हैं सटायर का मतलब है द यूज ऑफ ह्यूमर आयरनी एक्साजूरेशन और रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स ट्यूपिडिटी और वॉइसिस मतलब के लोगों के बुरे कामों को लोगों की स्टूपिडिटी को क्रिटिसाइज़ करना उसका मजाक उड़ाना और ये नावल भी इसी तरह का एक वर्क है इस वर्क को लिखा है एंग्लो आयरिश ऑथर जोनाथिन स्विफ्ट ने स्विफ्ट ने इस वर्क को 1726 में अनोनमसली पब्लिश किया विद द टाइटल ट्रेवल्स इन टू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ये फर्स्ट टाइटल था इस नावल का स्विफ्ट ने सटायर को यूज करते हुए इंग्लिश कस्टम्स को ट्रेडिशंस को और पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया है उनका मजाक उड़ाया है अपने इस नावल के जरिए इस बुक को फर्स्ट पर्सन नेरेटिव में लिखा गया है फर्स्ट पर्सन नेरेटिव का क्या मतलब है फर्स्ट पर्सन नेरेटिव मीन्स द स्टोरी टैलर रिकाउंट्स इवेंट्स फ्राम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि जो स्टोरी टेलर है जो कहानी बयान करने वाला है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इवेंट्स को बयान करता है और इस नावल में जो पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया है वो है लेमोल गोलीवर का जो कि मेन कैरेक्टर है इस नावल का लेमोल गोलीवर एक सर्जन है और एक सी कैप्टन भी जो दुनिया के मुख्तु हिस्सों का दौरा करता है और अपने चार एडवेंचर्स के बारे में हमें बताता है इस नावल को पढ़कर रीडर इंसान की ट्रू नेचर के बारे में जानता है समझ आ रही है गोलीवर इन लेलेपुट द लैंड ऑफ टाइनी पीपल लेलेपुट में गोलीवर का सफ़र शुरू होता है जब वो जहाज के तबाह हो जाने के बाद समंदर के साहिल पर खुद को बंधा हुआ पाता है जहाज के तबाह होने के बाद गोलीवर बेहोश हो जाता है जब उसे होश आता है तो वह ख़ुद को बारीक रस्सियों से बंधा हुआ पाता है उसके इर्द गिर्द छः छः इंच के छोटे छोटे लोग जमा होते हैं जो उसे मुल्क के लिए ख़तरा तस्वर करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं वो गुलीवर को बांध कर बादशाह के सामने ले जाते हैं जहाँ पर बादशाह के हुक्म से उसे छोड़ दिया जाता है लिलीपुट में उस टाइम दो पार्टियाँ काम कर रही होती हैं एक पार्टी को कहा जाता है मैन विद हाई हील शूज़ यानी कि तोरीस जो सिम्बोलिकल सिग्निफिकेंस है तोरीस का और दूसरी पार्टी है मैन विद लो हील शूज़ यानी कि विक्स और लिलीपुट में कोर्ट में उन लोगों की हुक्मरानी होती है जिनमें ज़्यादा रस्सी कूदने का हुनर होता है अब लिलीपुट का बादशाह गोलीवर से कहता है कि वो बिलिफिसको के साथ जंग लड़े और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए अब गलीवर बादशाह की बात मान लेता है और वो बलेफिस्को के सिपाहियों को लिलीपुट पर हमला करने से रोक देता है <गीवदा> लिलीपुट और बलेफिस्को एक दूसरे के दुश्मन हैं और उनकी दुश्मनी की मेन वजह क्या है कि अंडा तोड़ने की सही साइड कौन सी है इस पर वो एक दूसरे के दुश्मन हैं गलीवर लिली को बलेफिस्को से बचा तो लेता है लेकिन बलेफिस्को पर हमला करने से इनकार कर देता है जिस पर लिली का बादशाह नाराज हो जाता है बादशाह नाराज़ होने के बाद गलीवर को पसंद नहीं करने लगता और एक दिन गलती से गलीवर के हाथों महल में आग भी लग जाती है उस पर बादशाह और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोलीवर को अंधा करने और भूखा मारने का हुक्म दे देता है गलीवर को यह बात पता चलती है गलीवर का दोस्त रेड रेसल गलीवर को बादशाह के हुक्म के बारे में बताता है वो गुलीवर से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए लिलीपुट से भागने का कहता है और उसे कहता है कि वो ब्लैफ़ को चला जाए गलीवर रेड रसल की बात मान लेता है और लिलेपुट से भाग जाता है वो भाग कर बलेफेस्को चला जाता है जहाँ पर बादशाह उसको वेलकम करता है बोलेफेस्को पहुँचने पर गलीवर बादशाह से मदद मांगता है और बादशाह भी गलीवर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गलीवर ने लिलेपुट के बादशाह को बलेफेस्को पर हमला करने से इनकार किया होता है इसलिए बलेफेस्को का बादशाह गलीवर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है अब वहाँ पर ब्लेफेस्को में कश्ती बनवाई जाती है इतनी बड़ी कश्ती जिसमें गोलीवर इंग्लैंड वापस लौट सके और इस तरह से कश्ती तैयार हो जाती है और गोलीवर इंग्लैंड वापस लौट जाता है उस कश्ती में हमेशा के लिए इस फर्स्ट पार्ट के अंदर स्विफ्ट एक्चुअल में पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो इंग्लैंड के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है अपने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर और वो इंग्लैंड के लोग कौन हैं ये लिले ये फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लेले पोशंस हैं ये एक्चुअल में इंग्लैंड के लोग हैं जिन्हें वो क्रिटिसाइज कर रहा है और स्विफ्ट उनको कैसे बयान करता है दैट लेले पोशंस आर स्मॉल बट मेन नास्ती विशियस मॉरली हिपोक्रिटिकल डिसीटफुल जेलस एंड एनवेस फिल्ड विद ग्रीड एंड इनग्रेटिट्यूड दे आर इनफैक्ट कम्प्लीटली ह्यूमन मतलब वो उनको क्या कह रहा है कि वह बुरे बेहुदा जालिम, बिगड़े हुए मुनाफिक फ़रेबी हासिद, लालच से भरे हुए और एहसान फरामोश लोग हैं और यही इंसानों की असली असल ख़ासियतें हैं यही इंसानों की असल करेक्ट्रिस्टिक्स हैं असल है। इनके ज़रिए स्विफ्ट हमें बता रहा है कि इंग्लैंड के लोग किस तरह के हैं समझ आ रही है ये जो लिली पुशन हैं ये एक्चुअल में इंग्लैंड के लोग हैं जिन्हें स्विफ्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा है गलीवर इन ब्रॉबडिंग द लैंड ऑफ जायंट्स इंग्लैंड में दो महीने गुजारने के बाद गलीवर एक दफ़ा फिर समंदरी सफ़र पर रवाना हो जाता है सफ़र के दौरान जहाज़ एक तूफ़ान का सामना करते हुए तबाह हो जाता है इस दफ़ा गलीवर एक जजीरे पर जा गिरता है उसका नाम ब्रॉबडिंग नैग है यानी कि लैंड ऑफ़ जायंट्स इस जजीरे के लोग तकरीबन साठ फुट तक लम्बे होते हैं जज़ीरे पर गलीवर एक फार्म के हाथ लगता है जो उसे बहुत हैरान होकर देखता है उसे लगता है कि यह कोई जानवर है इसलिए वह उसे अपने खेल तमाशे के लिए अपने पास रख लेता है वो गुलीवर को एक पिंजरे में कैद कर कर रखता है कुछ वक्त गुजारने के बाद वो गुलीवर को मलका के हवाले कर देता है यानी कि कोई के, के हवाले कर देता है जो उसे दरबार में दिल बहनाने के लिए इस्तेमाल करती है दरबार में पहुंचने के बाद गुलीवर की ज़िंदगी आसान तो हो जाती है लेकिन उसे जानवरों की शक्ल में कई दफ़ा ख़तरों का सामना भी करना पड़ता है ब्रॉप्टिंग नैक के लोग पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी और पुरान तरीके से गुजारते हैं एक दिन बादशाह और मलिका के साथ गुलीवर घूमने के लिए निकलता है जहाँ पर गुलीवर का पिंजरा एक उकाब उठाकर ले जाता है जिसे वो समंदर में फेंक देता है गलीवर का पिंजरा समंदर में तैर रहा होता है जहाँ से एक इंग्लैंड का जहाज़ उसे बचा लेता है और इस तरह से गलीवर इंग्लैंड वापस चला जाता है नावल के इस सेकेंड पार्ट के अंदर स्विफ्ट नेगियंस की तारीफ बयान करता है वो उन्हें कहता है एपिटम ऑफ मॉरल जायंट्स", मतलब कि वो एक बाकिरदार लोग हैं साठ फुट लंबे लोग हैं और बहुत ही मॉरल आर मॉरली ब्यूटीफुल बाकिरदार लोग हैं अच्छे लोग हैं अब जिस तरह से गुलीवर हम देखते हैं कि जब वो लिलेपुट जाता है तो वो वहाँ के लोगों को मिनिएचर क्रिएचर कंसीडर करता है छोटे लोग कंसीडर करता है लेकिन जब वो खुद ब्रॉबडिंग नैक जाता है तो वहाँ के लोग उसे मिनिएचर क्रिएचर नहीं कंसीडर करते वो उससे अच्छे से बिहेव करते हैं उसे महल में जगह देते हैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं इसीलिए स्विफ्ट उन्हें मॉरली ब्यूटीफुल कंसीडर करता है स्विफ्ट कहता है दैट दे आर सुपर ह्यूम मतलब कि वो सुपर ह्यूम्स हैं हमारे जैसे तो हैं उनका जिस्म उनका खून हमारे जैसा तो है लेकिन वो मोरली हमसे कहीं बेहतरीन है और स्विफ्ट कह रहा है कि हम हमारे लिए इंसानों के लिए उनके जैसा बनना नामुमकिन है एक तरह से क्योंकि उनके जैसा बनने के लिए मेचोरिटी चाहिए और वो इंसानों के अंदर नहीं है समझ आ रही है तो इस सेकंड पार्ट में स्विफ्ट ने ब्रॉबडिंग नेगियंस को बेटर कंसीडर किया है इंसानों से समझ आ रही है गोलीवर इन लेप्योटा आइलैंड। गोलीवर इंग्लैंड में कुछ वक्त गुजारने के बाद एक दफ़ा फिर समंदरी सफ़र पर निकल जाता है जहाँ पर समंदरी डाकू उन पर हमला कर देते हैं गोलीवर उनसे बचता हुआ एक जज़ीरे पर पहुँच जाता है जिसका नाम है लेप्योटा यानी कि एक फ्लोटिंग आइलैंड। लेप्यूटा जजीरे के लोग बहुत ज़्यादा सोच में मगन रहने वाले लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सोच में मगन रहकर गुजारते हैं और इर्द गिर्द की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता लप्यूटा जजी के लोग मैथमेटिक्स और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके इस्ट्रानर्स ला ऑफ मैग्नेटिज़म को यूज़ करते हुए इस जजीरे को हवा में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करवाते रहते हैं वो लोग साइंस में इतने ज़्यादा मगन रहते हैं कि अमली ज़िंदगी से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता और साइंस की वजह से वो बर्बाद जिंदगियां गुजार रहे होते हैं अब गलीवर उस जज़ीरे पर रहते हुए ग्लब डब ट्रिप का भी दौरा करता है जो उसी का एक हिस्सा है वो वहाँ पर माजी के कुछ लोगों से मिलता है मसलन जूलियस सीज़र और, और बहुत से लोग लेकिन उनसे मिलकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से गलीवर वहाँ रहते हुए और भी कई जगह का दौरा करता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता उस जजीरे पर रहना और साइंस की बर्बादियाँ देखता है वो उस जजीरे पर रहते हुए और उसके बाद वो जापान से होता हुआ इंग्लैंड दोबारा वापस चला जाता है नावल का ये थर्ड पार्ट यानी कि गोलीवर इन लेप्योटा ये एक्चुअल में सेटायर है ऑन पीपल्स प्राइड इन रीज़न किस तरह से लोग रीज़न में फ़ख्र महसूस करते हैं लेप्योटा एक्चुअल में एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है होर मार्टिन ल्यूथर किंग ने रीज़न की तारीफ बयान करते हुए या उसकी वजाहत करते हुए कहा था दैट ग्रेट होर रीज़न तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस थर्ड पार्ट के अंदर किस तरह से स्विफ्ट ने रीज़न को रैशनैलिटी को ग़लत करार दिया है साइंस के आने से हर चीज़ बदल कर रह गई है हम हर चीज़ के अंदर रीज़न ढूंढते हैं और रीज़न और रैशनैलिटी ढूंढते हुए हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दूर चले गए हैं समझ आ रही है स्विफ्ट ने इस थर्ड पार्ट का नाम या इस जजीरे को लेप्यूटा का नाम दिया और ये नाम देते हुए उसने रीडर को वार्न किया है उस अपनी नफरत दिखाते हुए रैशनलिस्ट्स के लिए उन एब्स्ट्रैक्ट रीजनर्स के लिए जो कि फेथ के दुश्मन हैं अकीदे के दुश्मन हैं समझ आ रही है और हम इस पार्ट के अंदर देखते हैं कि लेप्यूटा के लोग कितने इनकम्पिटेंट हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो भी वो मैथ को यूज़ करते हैं वो म्यूज़िक को यूज़ करते हैं लेकिन वो अपने घरों को सही शक्ल नहीं दे पा रहे समझ आ रही है तो यही चीज़ है साइंस की यही चीज़ है रैशनैलिटी की रीज़न की कि हम रीज़न को यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इस्तेमाल नहीं करतेवर इन द लैंड ऑफ वेनम्स गलीवर चौथी और आखिरी दफ़ा समंदरी सफ़र पर निकलता है इस दफ़ा वो जहाज के कैप्टन के तौर पर सवार होता है लेकिन जहाज के लोग उसे पसंद नहीं करते और उसे एक बेनाम जगह पर छोड़ देते हैं उस जगह को कहते हैं द लैंड ऑफ विनम्स विनम्स घोड़ों की एक स्पेशल किस्म को कहते हैं गलीवर के अब तक के एडवेंचर्स में यह सबसे स्पेशल और अजीब एडवेंचर होता है विनम्स एक बहुत ही स्पेशल तरह के घोड़े होते हैं जो कि बहुत ही अक्लमंदाना और रीज़नेबल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उस बेनाम जगह पर इंसानों जैसी एक और मखलूक भी रहती है जिसे याहूस कहते हैं वो बहुत ही बद दिमाग और पागल होते हैं और विनम्स इनको कंट्रोल करते हैं गोलीवर विनम के सरदार से मिलता है यानी कि मास्टर होर्स से जो कि गोलीवर को बाकी याहूस से अलग तस्वर करता है गोलीवर जब विनम्स के बारे में जानता है तो उसे इंसानों से नफरत हो जाती है उसे यह सोच कर हैरा हैरानी होती है कि किस तरह से ये घोड़े अकल के साथ रहते हैं वो किस तरह से रीज़नेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं मास्टर हॉर्स गोलीवर से इंसानियत के बारे में जानता है और ये जानते हुए नतीजा अखज़ करता है कि याहूस और दूसरे लोग एक जैसे ही हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है अब गोलीवर को मास्टर हॉर्स वापस जाने का कहता है जिस पर गोलीवर वापस जाने से इनकार कर देता है लेकिन डन पेड्रो उसे वापस इंग्लैंड ले जाता है इंग्लैंड वापस पहुँच गोलीवर सब लोगों से नफरत करने लग जाता है और वो घोड़ों के साथ जिंदगी गुजारने लग जाता है इस फोर्थ और लास्ट पार्ट में यानी कि गोलीवर इन द लैंड ऑफ विनम्स में हम देखते हैं स्विफ्ट कंपैरिजन कर रहा है विनम्स और याहूस के अंदर वो विनम्स को कहता है नेचर नेचर ने एक परफेक्ट एनिमल क्रिएट किया है की सूरत में समझ आ रही है जबकि याहूस जो कि इंसानों के जैसे हैं वो इंसान हु डिस्ट्रॉय रीजनेबल कन्वर्जेशन फाइट नॉलेज एंड यूज रीजन टू एग्जॉल्ट जस्टिस मतलब वो इंसान जो झूठे हैं जो मुनाफिक हैं समझ आ रही है अब स्विफ्ट इस पार्ट के अंदर कह रहा है दैट विनम्स आर मॉरल एनिमल्स एंड याहूस आर इमोरल ह्यूमन बींग्स के विनम्स क्या हैं बाकिरदार हैं और याहूस बे किरदार इंसान हैं समझ आ रही है वो बे किरदार इंसान जो हर वक्त झूठ बोलते हैं जो हर वक्त जंग की सूरत में रहते हैं हर वक्त मुनाफ्त करते हैं जबकि विनम्स के अंदर झूठ का तस्वुर तो ही नहीं होता स्विफ्ट याहूस के बारे में कहता है दैट याहूस आर मोस्ट फिल्दी नोइज़म डिफॉर्म्ड एनिमल्स विच नेचर एवर प्रोड्यूस्ड कि वो गंदे बदबूदार और बेशकल जानवर हैं उनके जैसा कोई नहीं इसलिए इंसान और याहूस सेम हैं इसलिए गलीवर जब फर्स्ट टाइम विनम्स की लैंड में जाता है तो याहूस को देखकर उसे लगता है कि ये कोई फैमिलियर चीज़ है वो उसे फ़ौर से लगता है कि ये मिलते जुलते हैं जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये इंसानों जैसे हैं इंसान है ये असल में इसलिए इंग्लैंड वापस आकर वो इंसानों से नफरत करने लग जाता है और घोड़ों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लग जाता है तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की डिस्कशन उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज।